करनाल के गांव दरड़ में गुरु रविदास जयंती को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्य रूप से शिरकत की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि संत किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, ये हर समाज के पथ दर्शक होते हैं। हमें गुरु रविदास के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर कुमारी शैलजा ने कहा कि देश व प्रदेश में महंगाई आज चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। गरीब व्यक्ति को आज अपनी रोजी रोटी चलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रही है। प्रदेश में हुए धान घोटाला, शराब घोटाला, सरसों घोटाला आप सबके सामने है। मैंने कहा एलपीजी का भी, एलपीजी के दाम भी आसमान को छू रहे हैं और इससे खास तौर से जो बहुत बढ़ चढ़कर मोदी जी ने कहा था, बहनों के लिए बात कही थी एलपीजी, आज वो ये बता दें कि कितने लोग रिफिल ले रहे हैं। कभी कहा उज्ज्वला, हर बहन से सबको इन्होंने ठगा है, चाहे बहन है, चाहे हमारा युवा है, चाहे हमारा गरीब आदमी है, चाहे किसान है, मजदूर है, सबको ठगा गया है सरकार। सोशल मीडिया को लेकर कल कुछ एक गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार के द्वारा, उसको आप कितना, अभी हम देखते हैं, उसको देखेंगे। शैलजा जी, विपक्ष में रहते हुए आप जो है आज 3 से 4 घंटे लेट पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो विपक्ष में रहते हुए आपके पास समय नहीं है तो सत्ता में आने के बाद आप, हम सत्ता में पहले भी थे, हम सत्ता में पहले भी थे और जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आए थे और जनता का आशीर्वाद रहेगा फिर सत्ता में आएंगे, क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। लोगों को पता है कि कांग्रेस ही है जो उनकी आवाज़ उठाती है। पहले भी उन्होंने मौका दिया और अब आज के दिन अकेले पूरे देश में राहुल गांधी हैं जो इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये दिन ऐसे होते हैं, घर से हम समय पर निकल सकते हैं लेकिन पहुंचेंगे किस समय किस प्रोग्राम में वो मुश्किल हो जाती है। बीजेपी को लेकर संजय भाटिया द्वारा एक प्रेस में बयान दिया गया कि राहुल गांधी को हम ही नहीं बीजेपी मंत्री ने बीजेपी की, देखिए ये इनके जिस दिन से ये सरकार बनी है, चाहे इनके अपने एमएलए हो, चाहे इनको जो समर्थन दे रहे हैं इंडिपेंडेंट, आपने देखा उनके साथ क्या हुआ कल, बलराज कुंडू, उनके कैसे छापे डाले गए, तो ये तो किसी को बर्दाश्त करते नहीं। आपस में इनके जूत बज रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे जनता हो चाहे राजनीतिक लोग। सांसद संजय भाटिया कल राहुल गांधी को ई मच्योर कहते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि इस बात पर टिप्पणी करने का लेवल होना चाहिए भाई। कोई लेवल है संजय भाटिया का? उसके संस्कार ही ऐसे जिस नर्सरी में पढ़े आओ, वहाँ तो घटिया ही बातें हो सकती है। कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? कांग्रेस मंदिर है, कांग्रेस के साथ जनता जुड़ी है, कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, इसमें कोई वो नहीं है। लोग अपने आप कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं क्योंकि कांग्रेस, जैसा मैंने कहा, अकेली कांग्रेस पार्टी है राहुल जी के नेतृत्व में जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, मोदी सरकार के काले कारनामों को उजागर करती है। इस लोगों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी नहीं उठाती है। किसानों के साथ वहाँ के कर्मचारियों ने ये तो आप देखते हो कि चाहे किसान है, कोई यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा सकता है, चाहे मीडिया के लोग हों चाहे दूसरे एक्टिविस्ट हों। जब खुद माननीय प्रधानमंत्री जी उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, आंदोलन जीवी, यहाँ पर हर एक का अपना अधिकार है, किसानों का अपना अधिकार है, मजदूरों का अपना अधिकार है, दलित शोषित का अपना अधिकार है, मीडिया का अपना अधिकार है। ये सरकार उनकी इज्जत करे, उन्हें मान सम्मान दे, उनकी आवाज़। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।